देखिए, उत्तर प्रदेश या केंद्र के सरकार के मंत्रियों का एक काम है कि खूब लूटो और लूट करके हिस्सा सही जगह पे पहुंचाओ। उत्तर प्रदेश का हर मंत्री खूब लूट रहा है और इस बात को स्वयं प्रदेश के मुखिया ने बताया है, योगी आदित्यनाथ जी ने, कि पीडब्ल्यूडी के 6,000 करोड़ के टेंडर की जांच हो रही है और हर विभाग में, बिजली विभाग, हर विभाग में ये चल रहा है। लेकिन हटाया उन लोगों को गया है कि जो लोग लूट रहे थे और हिस्सा नहीं पहुंचा रहे थे। तो लूटो छूट है, लेकिन हिस्सा नहीं पहुंचाओगे तो नहीं बन पाओगे, नहीं बच पाओगे। तो जिन लोगों ने हिस्सा सही समय पर, सही जगह, सही हिस्सा नहीं पहुंचाया, उसको हटा दिया गया, दूसरे को लाया गया है। ये सरकार तो सिर्फ लूट रही है, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक जो बैठी हुई है। सर, कांग्रेस के सीपी चिदम्बरम, उनको ईडी ने लुकआउट नोटिस जारी की है और जो उनका मामला सुप्रीम कोर्ट में लगा था वो आज नहीं बल्कि कल उस पर सुनवाई होगी, क्या चाहेंगे सर? देखिए, 5 साल से ज़्यादा हो गए चिदम्बरम साहब, उनके बेटे या विपक्ष के सैकड़ों नेताओं के पीछे पूरे तन मन धन से बीजेपी की जो संस्था है, CBI, ED, IB, इनकम टैक्स से लगी हुई है और किसी को कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन अब चिदम्बरम साहब एक बहुत जिम्मेदार व्यक्ति रहे और आज भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के बहुत वरिष्ठ वकील हैं। 5 साल में कुछ नहीं मिला, लेकिन आपकी जिद है कि जो हमारे साथ नहीं है, जो हमारे से जरा सा भी मत भिन्नता रखता है, बीजेपी के लोग उसे चाहते हैं कि उन्हें या तो उनकी जवान दबा दी जाए या उन्हें जेल भेज दिया जाए या वो लोग गंगा नहा लें। जैसे कलकत्ता से लेकर के कन्याकुमारी तक जिनको CBI, ED, ID सब पकड़ी थी, उन लोगों ने अगर गंगा स्नान, वो भाजपा स्नान कर लिया तो पवित्र हो गए। तो यदि आप लाख भ्रष्ट हैं, लाख क्रिमिनल हैं, आपने भाजपा स्नान कर लिया तो आप पवित्र हो गए, और यदि आप विचारों से भिन्न हैं और भाजपा स्नान नहीं कर रहे हैं तो आपके पीछे छोड़ दिए जाएंगे। जी, वहीं सर, पाकिस्तान पर और शक्ति की तैयारी चल, नदी से जाने वाले पानी में कटौती के संकेत आ रहे हैं। देखिए, 6 साल से आप लोग कीर्तन कर रहे हैं, मोदी मोदी मोदी, आप मीडिया के लोग, लेकिन कभी पाकिस्तान को आपने जो स्पेशल दर्जा था उसे रोका? उसने कभी जो तमाम और सी बातें होती हैं इंटरनेशनल फोरम पे, आप लोग, बीजेपी की सरकार कभी पाकिस्तान का नाम लेती है? जब कुछ कर देना तो बताना, और आप भी बताना कि हाँ ये हो गया है, आप लोग, होने वाला है, होने वाला है, उसी पर आप लोग भी लगे रहते हैं। 5 साल पहले अपना भी वीडियो देख लीजिए कि आप लोगों ने जो कहा था ये होने वाला है, ज़रा उसका फैक्ट फैक्निक चेक कर लीजिए कि क्या हुआ। सर, एक मामला और बताना, यूनिसेफ से हटाने के लिए अब UN से की अपील, एक अपने यहाँ की अभिनेत्री एम्बेसडर थी वहाँ पर यूनिसेफ में, उनको हटाने की मांग की। देखिए, जब से हमारे मोदी जी और भाजपा के RSS के मित्र आए हैं, तब से एक इतनी बड़ी गिरावट इस देश को ला दिया है कि हिंदुस्तान अपनी तुलना या अपनी बराबर या अपनी चर्चा चीन और अमेरिका से करता था। पाकिस्तान का हम लोग कभी गिनते नहीं थे, कभी नाम ही नहीं लेते थे, कभी उसको रिकग्नाइज नहीं करते थे, लेकिन हर बात में अब पाकिस्तान अपने आप को छोटा कर दिया, क्योंकि अब दोनों लोगों की दाल रोटी एक दूसरे पर निर्भर है, वो भी यहीं कर रटते हैं, ये भी वहीं कर रटते हैं। ये भारत का सम्मान थोड़ी बढ़ाया जा रहा है, हिंदुस्तान में रोज पाकिस्तान पाकिस्तान, क्या है पाकिस्तान, उसकी कितनी औकात है, उसका इतिहास भूगोल सब भारत बहुत पहले बदल चुका है, जब RSS करो चड्डी बन के घूमते थे तभी बदल चुका है। लेकिन सर, वही कब्जा करके बैठा है, POK पे कब्जा करके पाकिस्तान, लिखित में भारत का है वो, तो ले लीजिए ना फिर आप, नहीं फिर, हाँ उस समय पर लिए बैठा है तो वो तो बायलैटरल बातचीत से तो हल होना है, द्विपक्षीय वार्ता से तो हल होना है, तो ये आप उसी तरह, आपको तो पूरी बहुमत मिला है ना आज, आप जो बता रहे हैं या जो लोग कोसते हैं कांग्रेस के लिए, कब करेंगे ये सब काम, ये सब काम आप कब करेंगे, भाषण देना बंद करके? कुछ तो दिखाइए अपनी कूटनीतिक क्षमता, इतनी बड़ी पावर मिला है, इतनी बड़ी मेजॉरिटी मिली है, आप अपनी क्षमता कब दिखाएंगे? 6 साल होने जा रहा है,